हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग। आज मैं फास्ट मिसलीटोन रेसिपी बनाएंगे, जो मिक्स वेजिटेबल रेसिपी भी बोलते हैं हम लोगों का लैंग्वेज में, फासोन थोन बोलते हैं। तो मैं बहुत सारे वेजिटेबल्स लिया हूँ, मैं सब 7-8 पीस वेजिटेबल्स लिया हूँ मैं। ये कॉलीफ्लावर, ये स्वीट पम्पकिन है, स्वीट पम्पकिन थोड़ा सा लिया हूँ मैं, यार 2 पौधे तो लिया हूँ मैं। एक 1 ब्रिंजल लिया हूँ मैं, 1 ब्रिंजल, और ये स्वीट पोटैटो लिया हूँ मैं, एक कैरेट, 1 कैरेट लिया हूँ मैं, 1 कैरेट, और पतला मैं लिया हूँ मैं, 3 पतला लिया हूँ मैं, 3 पतला लिया हूँ। ये दाता साग लिया हूँ मैं, दाता साग, दाता साग को मैं छोटे छोटे पीस करके मैं काटेंगे, और सजने दाता को लिया हूँ मैं, बाद में देंगे सजने दाता, काट के देंगे जब मिक्स करेंगे तब देंगे। बस इसी से मैं सब कुछ मैं छोटे छोटे पीस करके क्लीन करके मैं रख दिया हूँ मैं प्लेट के ऊपर, और सारे प्लेट छोटे छोटे पीस करके देख रहे हो, मैं काट दिया हूँ मैं अच्छे से, काट करके मैं क्लीन करके मैं प्लेट के ऊपर रख दिया हूँ सब कुछ। तो इसको मैं मस्टर्ड ऑयल देके इसको मैं मिक्स वेजिटेबल रेसिपी, जो फासोन थोन हम लोग का लैंग्वेज में फासोन थोन बोलते हैं, इसको हम अच्छे से मैं पकाएंगे। सब कुछ छोटे छोटे फिश कर दिया हमें, फिश करके मैं रख दिया अच्छे से। अभी मैं कढ़ाई लिया हूँ मैं, कढ़ाई गर्म होने के बाद मैं मस्टर्ड ऑयल देंगे, कढ़ाई गर्म हो गया, अभी मैं मस्टर्ड ऑयल दे रहा हूँ मैं। जितने चाहिए उतना मैं दे रहा हूँ मस्टर्ड ऑयल। ऑयल गर्म होने के बाद मैं ऑनियन देंगे, धीरे धीरे गर्म हो रहा है मस्टर्ड ऑयल, गर्म हो गया। अब हम ऑनियन को देंगे, मैं ऑनियन दे रहा हूँ छोटे छोटे पीस करके, मैं काट दिया ऑनियन। ऑनियन को हम थोड़ा ब्राउन होने तक रखेंगे, ब्राउन हो रहा है धीरे धीरे अच्छे से। अभी हम ये देंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, हाफ टी स्पून लिया हूँ जिंजर गार्लिक में, और चिली भी दे रहा हूँ, चिली में हाफ पीस करके मैं खाद दिया था, 7-8 पीस चिली लिया हूँ मैं। उसके बाद में थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर दे रहा हूँ, और मैं इसके बाद जीरा पाउडर देंगे थोड़ा सा,
ज़्यादा नहीं, 0.5 दिया हूँ। उसके बाद में सॉल्ट देंगे, सॉल्ट 1 टीस्पून। मैं स्वाद अनुसार आप लोग दे सकते हो, मैं 1 टीस्पून के लगभग दिया हूँ। अभी इसको अच्छे से मिक्स कर दूँ। अच्छे से मिक्स कर दे रहा हूँ इसको। मिक्स होने के बाद में वेजिटेबल देंगे, मिक्स वेजिटेबल। अच्छे से मिक्स करना पड़ेगा, तो मैं अच्छे से मिक्स कर दिया हूँ। मिक्स होने के बाद में अभी मैं मिक्स वेजिटेबल दे देंगे धीरे धीरे करके। पोटैटो, गाजर और स्वीट पम्पकिन, डाटा साग, ब्रिंजल, पतला में सब कुछ धीरे धीरे करके दे रहा हूँ। कॉली फ्लावर, स्वीट पोटैटो, पतला धीरे धीरे करके दे रहा हूँ। आप लोग भी कर सकते हैं। मिक्स वेजिटेबल खाने में बहुत स्वादिष्ट है, सब कुछ मिला के मिक्स करके अच्छा लगता है खाने में, बहुत स्वादिष्ट है। तो आज मैं मिक्स वेजिटेबल रेसिपी बना के आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये सोचना देता है, मैं बाद में अब हाथ के रख दिया था दूसरा प्लेट में, ये सोचना देता है। अभी मैं दे रहा हूँ अच्छे से, मैं क्लीन करके छोटे छोटे पीस करके मैं काट दिया हूँ। अभी मैं दे रहा हूँ, मिक्स कर दे रहा हूँ। अभी मैं अच्छे से मिक्स करेंगे धीरे धीरे करके। अच्छे से मसाला के साथ मिक्स करना पड़ेगा। मिक्स कर दिया हमें, और ढक्कन दे के खोल दिया हूँ धीरे धीरे करके हो रहा है। धीरे धीरे हो रहा है, अच्छे से मैं इस तरह खोल दे रहा हूँ, अच्छे से हो रहा है। धीरे धीरे करके सब कुछ मैं धीरे धीरे करके देख रहा हूँ, नहीं तो नीचे वाला बांध होने से अच्छा नहीं लगेगा, तो इसलिए मैं इस तरह ऊपर नीचे खोल दे रहा हूँ अच्छे से धीरे धीरे करके। अच्छे से मिक्स करना पड़ेगा, नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा। बस इसी तरह मैं मिक्स कर दिया हूँ धीरे धीरे करके। हो रहा है धीरे धीरे करके, धीरे थोड़ी देर पकाने के बाद मैं थोड़ा सा मैं पानी दे रहा हूँ। इस पानी से और पकाएंगे, इस पानी सूख जाने के बाद मैं और पानी देंगे अच्छे से, मान जितना चाहिए पानी उतना से देंगे। अभी मैं थोड़ा सा पानी दिया, मैं इस पानी से थोड़ी देर पकाएंगे, थोड़ी देर पकाने के बाद मैं और पानी देंगे अच्छे से। तो अभी मैं ढक्कन दे दिया हूँ, मैं फिर से देख रहा हूँ, मैं हो रहा है धीरे धीरे करके अच्छे से। तो
थोड़ी देर के बाद पानी सूख जाएगा। पानी सूख जाने के बाद मैं और से पानी देंगे। लगभग सूख गया, थोड़ा सा और थोड़ा सा है। मैं इस तरह करके ऊपर नीच कर दे रहा हूँ। मैं नीचे वाला पर्सन को मैं ऊपर नीच वाला वेजिटेबल्स को मैं ऊपर लेके आ रहा हूँ। आप और खा अच्छे से मैं मिक्स कर दे रहा हूँ अच्छे से, जैसे अच्छे से पक जाए। पानी सूख जाने के बाद अभी मैं और पानी दे रहा हूँ। बस इस पानी से हो जाएगा, और पानी नहीं देंगे। धीरे धीरे करके इस पानी से हो जाएगा। मैं सब कुछ दे दिया हूँ, और कुछ भी नहीं देना पड़ेगा। एकदम सिंपल तरीके से मैं पास मिसाली, जो हम लोगों का लैंग्वेज में पासन थोन भी बोलते हैं, हो रहा है धीरे धीरे करके मिक्स वेजिटेबल रेसिपी। धीरे धीरे करके हो रहा है। ये पानी पूरा, थोड़ा सा मैं पानी रखेंगे, पूरा नहीं सुखाएंगे। लगभग हो गया, और थोड़ी देर के बाद हो जाएगा। थोड़ा सा और पानी है, पूरा पानी नहीं सुखाएंगे। लगभग हो गया, मैं देख रहा हूँ जब सिर्फ पम्पकिन पोते तो मैं थोड़ा सा ये कर दे रहा हूँ। अच्छे से हो गया कि नहीं, लगभग हो गया, थोड़ी देर के बाद हो जाएगा। बस हो गया मेरा फास्ट मिसाली रेसिपी, मिक्स वेजिटेबल रेसिपी। अभी मैं प्लेट के ऊपर रख देंगे धीरे धीरे करके। मैं प्लेट ले आऊँ, प्लेट के ऊपर मैं धीरे धीरे करके मैं रख देंगे। मिक्स वेजिटेबल अच्छे से पक गया, ये हो गया पूरा एकदम अच्छे से। सुगंध आ रहा है, सुगंध निकल के आ रहा है, अच्छा सुगंध। पास मिसाली रेसिपी बहुत अच्छा लगता है खाने में, स्वादिष्ट होता है। कभी जब हम मन करता है हम लोग कभी कभी इसी तरह पास मिसाली रेसिपी पकाते हैं। एकदम सिंपल तरीके से, और इतना सिंपल प्रोसेस है। खाद दिया हूँ और सब कुछ रेडी किया हूँ। जिंजर गार्लिक पेस्ट, जीरा हलूद नमक सॉल्ट टर्मरिक पाउडर मस्टर्ड ऑयल दे के मैं अच्छे से मैं पकाया हूँ। पूरा एकदम सॉफ्ट हो गया, अच्छा सुगंध निकल के आ रहा है। हॉट राइस के साथ खाएंगे। ओके दोस्तों, मेरा मिक्स वेजिटेबल रेसिपी इसी तरह कंप्लीट होता है। मैं स्टेप बाय स्टेप दिखाया हूँ आप लोगों का। अच्छा अच्छा हो गया।
ओके दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर आप लोग लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करके मेरे साथ बने ही रहिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करके मेरे रख देना, जब मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा तो आप लोग का इन्फॉर्मेशन मिलेगा। अच्छा अच्छा वीडियो आप लोग का मैं दिखाऊंगा। ओके दोस्तों, बाय।